सरकार और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद रिवाड़ी ओवरलोड वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर यमदूत बनकर बेलगाम दौड़ते ओवरलोड डंपरों पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं रह गया है। बीती रात आईजी के निर्देश पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो तेज रफ्तार एक डंपर ने टक्कर मारकर दरोगा की गाड़ी को ही क्षतिग्रस्त कर दिया और गाड़ी में सवार पुलिस के 3 जवान बाल बाल बचे। घटना से गुस्साई पुलिस ने दर्जनों वाहनों को रुकवाकर कुछ वाहनों की हवा निकाल दी और कुछ को पकड़ थाने ले आई। दरअसल यह घटना रिवाड़ी के बावल रोड स्थित आईओसी चौकी है, जहां बीती रात आईजी के निर्देश पर पुलिस नाकेबंदी कर शहर से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही कर रही थी। तभी तेज रफ्तार एक चालक ने डंपर दरोगा की गाड़ी में ठोक दिया। पुलिस ने भी हार नहीं मानी और कार्यवाही करते हुए दर्जनों वाहनों को पकड़ लिया। खंडेलवाल है, ओवरलोड डंपर खड़े क्या कहेंगे सर? ये ओवरलोड जो डंपर खड़े हैं कि नागलोल और शाजापुर बॉर्डर पे नाके होने के बावजूद ये रिवाड़ी शहर तक कैसे पहुंचे, इसका मुझे अंदेशा लगता है कि इसमें प्रशासन में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं वो घूसखोरी के कारण ये डंपर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये पुलिस प्रशासन के वाहनों को भी टक्कर मारने से नहीं हिचकते। ओवरलोड डंपर पकड़े हैं क्या कहेंगे? आकर ये जो आरटी विभाग है, जो सिविल डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदार से रात को काफ़ी सारे डंपर ओवरलोड डंपर पकड़े हैं और चलान किए हैं। कितने डंपर होंगे ऐसे जो पकड़े गए? काफ़ी मात्रा में, सारी रेवाड़ी में काफ़ी मात्रा में ये चलान किए हैं। सर बता रहे हैं कि पुलिस की जिप्सी पर भी हमला किया है इन लोगों ने, वहाँ उसको भी टक्कर मारी है? हाँ जी, वो किए है, लेकिन हम उसकी क्या कार्रवाई कर रहे हैं।